आदर, आभार, अभिनंदन, नमस्कार प्यारे मित्रों, गुलेंद्र ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम बहती गंगा में काशी पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, जिनका जन्म 1911 में हुआ था और स्वर्गवास सन 1970 ईस्वी में हुआ था, इनकी एक प्रसिद्ध उपन्यास बहती गंगा है, जिसमें 17 कहानियों की संकलन है। ठीक, और उसमें बहती गंगा की धारा की तरह ही एक दूसरे से लिंक है उन कहानियों के बीच। अगर अलग अलग दिन अलग अलग कहानी पढ़ा जाए तो लगेगा कि बहती गंगा उपन्यास नहीं बल्कि कहानियों का संग्रह है, परंतु अगर एक बैठे इस एक उस उपन्यास को एक तरफ से अंत तक पढ़ा जाए तो लगता है कि नहीं, वास्तव में यह एक नया प्रयोग है शिव प्रसाद मिश्र जी की, और यह उपन्यास है, सभी कहानियों में एक दूसरे से लिंक हैं। ठीक, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। शिव प्रसाद मिश्र जी के संक्षिप्त में हम लोग जीवन परिचय देखेंगे, संक्षिप्त में। ठीक, संक्षेप में कह लीजिए, हिंदी साहित्य के उपन्यास विधा में एक नई शिल्प के प्रयोगकर्ता शिव प्रसाद मिश्र एवं उर्फ नाम रुद्र का जन्म वाराणसी में 1911 ईस्वी में पुजारी के परिवार में हुआ था। पुजारी के परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित महावीर प्रसाद मिश्र और माता सुमित्रा देवी ने उन्हें भगवान शिव की कृपा के रूप में देखा, इसलिए उन्हें यह नाम दिया रुद्र। हरिश्चंद्र और क्वींस कॉलेज वाराणसी में अपनी स्कूली शिक्षा के बाद वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए, जहां से इन्होंने बीए एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनका एक लंबा और विविध शिक्षण करियर था। विभिन्न संगठनों संगठन और संस्थाओं संस्थान जो वह जुड़े हुए थे वे हैं सिटी बेसिक स्कूल वाराणसी और फिर मिर्जापुर आदि, आज दैनिक समाचार पत्र, हरिश्चंद्र कॉलेज वाराणसी आदि। अपने करियर के अंतिम चरण में सन 1959 ईस्वी में वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के हिस्सा बने। अंततः हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए सन 1971 ईस्वी में स्वर्गवास पद पर सदा के लिए विदा ले लिया। प्यारे मित्रों, कहीं कहीं पर इनका जन्म 1970 दिया है, कहीं कहीं पर 1971, तो थोड़ा सा देख लेना आप, मृत्यु मतलब मृत्यु मृत्यु सॉरी मृत्यु कहीं कहीं पर 71 दिया है, कहीं कहीं पर 70 दिया है, तो थोड़ा सा आप लोग देख के कोरिलेट कर लीजिएगा। ठीक, प्रसिद्धि क्षेत्र जो इनका है, एक भारतीय उपन्यासकार, नाटककार, स्तंभकार, कवि और व्यंगकार के रूप में है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं बहती गंगा, ठीक, 1952 में जो प्रकाशित हुई थी, भाषा की शिक्षा, महाकवि कालिदास नाटक, ठीक, सूचीपात इनकी एक दूसरी उपन्यास है। ठीक, चलिए उपन्यास देखते हैं क्या है। उपन्यास हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय गद्य विधा है। गद्य उस रचना को कहते हैं जो छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त होती है। इसमें विचारों तथा भावों को शुद्धता के साथ व्याकरण की कसौटी पर कसकर एक व्यक्ति से दूसरे दूर सुदूर सुदूर स्थित दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। गद्य शब्द गद धातु के साथ यत प्रत्यय जोड़ने से बनता है।
गद्य का अर्थ होता है बोलना, बतलाना, कहना। ठीक, गद्य का लक्ष्य है विचारों तथा भावों को सहज, सरल एवं सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित करना है। हिंदी गद्य के संबंध में यह धारणा है कि मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को ही हिंदी गद्य कहा जाता है। हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रयोग हमें राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में देखने को मिलती है। ठीक, उपन्यास शब्द संस्कृत के उपन्यस्त से बना है, जिसका अर्थ है सामने रखना। उपन्यास में प्रसादन अर्थात प्रश्न करने का भाव भी निहित है। किसी घटना को इस प्रकार सामने रखना कि उससे दूसरों को प्रसन्नता हो, उपन्यस्त करना कहा जाएगा। इस प्रकार मानव जीवन, समाज या इतिहास के यथार्थ सत्य को समाज एवं दृश्यात्मक घटनाओं पर आधारित चित्रण के माध्यम से पाठकों के सामने रखने अथवा प्रस्तुत करने वाली विधा ही उपन्यास कहलाती है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास की कृति परीक्षा गुरु माना जाता है। और इसको किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने परीक्षा गुरु को प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। इस प्रकार उपन्यास के सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास सेवा सदन है। इसी प्रकार जो है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी की पहला उपन्यास की बात की जाए तो सेवा सदन है और गोदान साथ लास्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपन्यास के 6 तत्व होते हैं। जिस प्रकार कहानी एवं नाटक के 6 तत्व होते हैं, उसी प्रकार उपन्यास के भी 6 तत्व भारतीय आचार्यों ने माना है। उपन्यास में पहला जो तत्व है कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन मतलब संवाद, ठीक, वार्तालाप जो होता है संवाद वही, वातावरण मतलब देश काल, ठीक, भाषा शैली, उद्देश्य। हर एक नाटक का उद्देश्य होता है। ठीक, तो बहती गंगा से क्या आपने सीखा? बहती गंगा का क्या उद्देश्य है? कृपया एक उद्देश्य कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ठीक, अब हम लोग यहां से बहती गंगा में काशी को देखेंगे। ठीक, बहती गंगा उपन्यास है अथवा कहानी संग्रह। इस कथन को लेकर पाठकों में काफी उलझन रहता है। संपूर्ण उपन्यास को अन्य उपन्यास जैसे गोदान, चित्रलेखा, झांसी की रानी, महिला आचरण, सेवा सदन की तरह पढ़ने पर सभी कहानियां स्वतंत्र प्रतीत होती है, परंतु यह उपन्यास लेखक श्री प्रसाद मिश्र रुद्र की उपन्यास विधा में एक नया प्रयोग है, जिसमें काशी के 200 वर्षों के इतिहास को किंवदंतियों, लोक कथा एवं ऐतिहासिक और कल्पना के सम्मिश्रण से छोटे छोटे 17 कहानियों द्वारा जोड़ते हुए उपन्यास की नई शैली को जन्म देने की सफल प्रयास है, भागीरथ प्रयास है। ठीक, यह कथाएं गंगा की धारा के समान स्थान विशेष से संबंध रखती है। जिस तरह गंगा की धारा स्थान विशेष के अनुसार अपनी धारा को मोड़ती हुई चली जाती है बहती हुई, उसी प्रकार यह कहानी एक स्थान विशेष से जुड़ता हुआ चला जाता है। काशी के रामनगर पर विभूति नारायण के जो राजा चेत सिंह थे, प्रसिद्ध नारायण से, वहां से स्टार्ट होता है और सीधे राजघाट तक पहुंचाते हुए पहुंच जाता है अलीनगर तक। मतलब सोच रहे हैं संकट मोचन होते हुए स्थान विशेष से संबंध रख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिससे इसे आंचलिक उपन्यास कहा जाता है, मतलब यह कथा गंगा की धारा के समान स्थान विशेष से संबंध रखती है, जिससे इसे आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। इसी से इस उपन्यास की विशेषता अपने आप में अद्वितीय है। इसकी कथा सन 1750 से लेकर
1950 तक की लगभग है। ठीक, इस उपन्यास का प्रथम प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में हुआ था। रुद्र जी कहते हैं, रुद्र जी क्या कहते हैं देख लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कथन है उनका। रुद्र जी कहते हैं, विधाएं साहित्य की जननी नहीं है, विधाएं साहित्य की जननी नहीं है, साहित्य ही विधाओं का जनक है। देखो इनसे दोहरा दे रहा हूं, याद करना है, पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्र जी कहते हैं कि विधाएं साहित्य की जननी नहीं है, साहित्य ही विधाओं का जनक है, क्योंकि यह उपन्यास एक नया प्रयोग है उपन्यास विधा के क्षेत्र में, इसलिए इस कथन को लिखना यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है। इस उपन्यास को छोटे छोटे निम्नलिखित कहानियों में बांट कर लिखा गया है, जो कहानियां हम आपको बताने जा रहे हैं। गाइए गणपति जगबंदन, घोड़े पर हौदा और हाथी पजीन, घोड़े पर हौदा और हाथी पजीन, नागर नया जाला काले पनिया रे हरी, सूली ओपर सेज पिया की, आए 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 अल्लाह तेरी महजिद अवल बनी, रोम में ब्रजबला शिवनाथ बहादुर सिंह वीर का खूब बना जोड़ा, यही ठैया झुलमी हे रामी रानी हो रामा, यही ठैया झुलमी हे रानी हो रामा, राम काज छन भंगु शरीरा, यही पार गंगा वही पार जमुना, चैत की निदिया जिया लसाने, इस हाथ से दे उस हाथ से ले, दिया क्या जले जब जिया जल रहा है, जिया क्या जले जब जिया जल रहा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, मिसा न होई देव ऋषि बानी, सारी रंग डारी लाल लाल। ठीक, इस प्रकार 17 कहानियां है। उपर्युक्त सभी कहानी आपस में जुड़ी हुई है, ठीक वैसे ही जैसे बरसात में तालाब पोखर, ठीक गंगा जल धारा से जुड़ जाते हैं। तालाब पोखर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तालाब पोखर गंगा जलधारा से। ठीक, सभी कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे बरसात के मौसम में सारे तालाब पोखर गंगा की धारा से मिल जाती हैं। चलिए देखते हैं एक एक कहानी में काशी कैसे है। ठीक, गाइए गणपति जगबंदन में काशी, गाइए गणपति जगबंदन में काशी। राजा बलवंत सिंह के पुत्र चेत सिंह के जन्म पर, ठीक बलवंत सिंह का चचेरा भाई काशी के गलियों में यह कहकर ढिंढोरा पिटवा रहा है कि वर्ण शंकर पैदा हुआ है, मंगल गान बंद करो, मंगल गान बंद करो। ठीक, और घोड़े पर हौदा और हाथी पैजीन में काशी, घोड़े पर हौदा हाथी पैजीन में काशी। देखिए इसको भी देख लीजिए, लोटन महलिया ने नागर गुरु को कबीर चौराहा की ओर आते हुए देखता है, दोनों में वार्तालाप के पश्चात पता चलता है कि राजा चेत सिंह से जुर्माना वसूल करने के लिए वारन हेस्टिगन स्वयं ही कलकत्ता से काशी आया। नागर ने वारन हेस्टिगन की ठहरने की खबर राजमाता पन्ना को दिया तो हेस्टिगन रातों रात भाग गया चुनार, ठीक रातों रात चुनार भाग जाता है। इस अवसर का लाभ उठाकर राजमाता बनारसियन में जो जोश पैदा करने के लिए, बनारसियन में जोश पैदा करने के लिए हाथी पर जीन कसद और घोड़े पर हौदा की आदेश देती है नागर को। सब नवयुवक लड़के नारे में चिल्लाते हैं, घोड़े पर हौदा और हाथी पर जीन, जल्दी से भागत रहलन लब्धन सुदीन। ठीक, कहानी इसके बाद बताएंगे लब्धन सुदीन वाला। ठीक, चलिए घोड़े पर हौदा हाथी पजीन जल्दी से भागत गेलन, यही था
वार्न स्टिगिन के सगा जगह पर लादन सुदीन वो लगा के मेहरारू कितने घोड़ी समझ लेते हैं। चलिए कहानी बहुत आनंद आएगा जब बताएंगे तो दूसरे वीडियो में। नागर नया जाला काले पनिया रे हरी, नागर नया जाला काले पनिया रे हरी में काशी। सन 1972 की काशी अपने आप में गुंडों के लिए प्रसिद्ध थी। तभी तो जयशंकर प्रसाद जी ने भी गुंडा नामक एक कहानी लिखा है। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा काशी राज्य की लूट से सामान्य सभी जनता पीड़ित हो गई। चेत सिंह वारेन हेस्टिंग्स का कुछ नहीं कर सका, स्वयं ही पलायन कर जाता है। तब नागर सिंह गुंडे के रूप में अंग्रेजों से लोहा लेता है, जिसे काले पानी की सजा सुनाई जाती है। ठीक, नायब फैजा अली मुहर्रम जुलूस के दुलदुल घोड़े को ठेठेरी बाजार की ओर से निकलवाने की कोशिश करते हैं। ठीक, नागर इस जुलूस को निकालने से रोकता है। जुलूस के इस युद्ध से जान बचाकर नागर राजघाट की खोर में घुस जाता है, रात को छिप जाता है जाकर। मिसीर जी की वजह से कस्बीन बनी सुंदरी नागर के व्यवहार से नागर के प्रति श्रद्धा का भाव रखती है, जो नागर के काले पानी से संबंधित गीत नारघाट पर गा रही थी, जिसे नागर के मित्रों अपनी नाव को उसके समीप ले जाकर सुनने लगे। ठीक, नागर नया जाला काले पनिया रे हरी। चलिए सुनिए, इधर सूली ऊपर सेज पिया की में काशी। चांदनी चौक बाजार में भंगड़ भिक्षुक अपने सूली दर्द भरी और ऊंची आवाज में वह लावणी गीत गा रहा था। मत्ते पास हरी के विद के बुद्ध के निकंड के पूछो निगंठ के पूछो बिस रस पीने का मजा कंठ से नीलकंठ के पूछो। ठीक, दाताराम नागर और भंगड़ भिक्षुक की जोड़ी नगर में राम लक्ष्मण की जोड़ी कहलाती थी। यह 6 महीने पहले नागर दाताराम को काले पानी की सजा हो गई और वो काले पानी चला गया नागर। उसी दिन से भंगड़ भिक्षुक भी नगर से अंतर ध्यान हो गया। आज भिक्षुक के फिर काशी में आने पर काशी वासियों का चांदनी चौक, ठीक, जो वर्तमान में गुदड़ी बाजार में ताता लग गई। इस कहानी में कटेसर अलीनगर चौका घाट कचौड़ी गली का भी जिक्र किया गया है। अब देखिए दूसरी कहानी है, आए आए में काशी। किनकी के बचपन का साथी जो था मित्र था हंस, जो चित्रकार था, जो रामदयाल के नाम से प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाना जाता है। दोनों का बिछुड़न एक बार पुनः बेगम के चित्रकारी हेतु प्रस्तुत समय पर होती है। संक्षेप में कहे तो इस कहानी में तत्कालीन हिंदू मुस्लिम दंगे की चर्चा है। इसमें रामदयाल को तरुण काशी नरेश प्रसिद्ध नारायण बचाते हैं। ठीक, अल्लाह तेरी मस्जिद अवल बनी में काशी, अल्लाह तेरी मस्जिद अवल बनी में काशी। राजघाट पर पुराने किले के खंडहर में पड़ी ब्रिटिश फौज की छावनी में सुबह होते ही तहलका सा मच गया। मेजर बकेले के द्वारा अपनी ही मृत्यु के समय क्लेरिसा क्रिटिंग के नाम एक पत्र राजघाट से सितंबर सन 1898 ईस्वी को लिखा गया। ठीक, आप चलिए इसके विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो जो कहानी बहुत लंबी चली जाएगी।
रोम रोम में ब्रज बला में काशी, रोम रोम में ब्रज बला में काशी, इस दृश्य में गोदावरी गंगा में डूबने चली, गंगा में डूबने चली। गोदावरी देखिए नदी मत समझना है, यहाँ गोदावरी एक स्त्री का नाम है। गोदावरी गंगा में डूबने चली, इस कहानी में गोदावरी के पति झालर महाराज को संकट मोचन हनुमान जी, मतलब संकट मोचन जो हनुमान जी की है ना, संकट मोचन की दर्शन की कथा का अत्यंत मार्मिक वर्णन है। इस प्रकार 17 कहानियों में काशी के किसी न किसी स्थान विशेष से संबंध रखती है, मतलब इस प्रकार 17 कहानियां काशी के किसी न किसी स्थान विशेष से संबंध रखती हैं। इस उपन्यास में काशी नरेश चेत सिंह प्रसिद्ध ननाड़ की चर्चा हुई है। काशी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जैसे संकट मोचन, विश्वनाथ, गंगा घाट की सजीव सुंदर की उदंती से संबंधित लोक कथा से लेखक शिव प्रसाद मित्र ने अपने इस बहती गंगा उपन्यास में चित्रण प्रस्तुत की है। बहती गंगा उपन्यास चित्रण प्रस्तुत किए, ठीक, एक मिनट स्वामी मित्रों, सजीव चित्रण प्रस्तुत की है, जिससे पाठक अथवा श्रोता के मन में उस स्थान विशेष को जानने की इच्छा प्रबल होती है। साथ ही साथ मुझ जैसे काशी के विद्यार्थी में उस स्थान का चित्र स्वयं ही प्रतिबिंबित होने लगता है या होने लगती है। चलिए अब हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं, बहुत हो गया काशी में, बाती गंगा में काशी, ठीक, उपन्यास देख लेते हैं, उस उपन्यास का निष्कर्ष देख लेते हैं। बाती गंगा में काशी, बाती गंगा में काशी का निष्कर्ष, उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि काशी से संबंधित इस उपन्यास बहती गंगा में मुख्य नायक के रूप में काशी ही है, मतलब इस उपन्यास का मुख्य पात्र कह लिया जाए, मुख्य हीरो कह लिया जाए तो काशी ही है। यह उपन्यास काशी के विशेष स्थान विशेष से संबंधित है, इसलिए कुछ आलोचक विद्वान इसे आंतरिक उपन्यास मानते हैं, ठीक, परंतु इस उपन्यास की सभी 17 कहानी अलग अलग दिन पढ़ने पर एक दूसरे से स्वतंत्र प्रतीत होती है, लेकिन जब हमने दूसरी बार इसे एक बैठे पढ़ा तो लगा कि हर कहानी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अतः हम कह सकते हैं कि यह उपन्यास हिंदी साहित्य कथा विधा में एक नया प्रयोग है। स्वयं लेखक शिव प्रसाद मित्र जी कहते हैं कि विधाएं साहित्य की यानी नहीं, साहित्य ही विधाओं का जनक है, साहित्य ही विधाओं का जनक है। इस उपन्यास में काशी की लोकल भाषा का प्रयोग है, जिससे स्थानीय पाठक में रोचकता पैदा होती है। अतः यह उपन्यास विधा की एक नया प्रयोग है, ठीक। प्यारे मित्रों, शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि यह पाठ, मतलब बहती गंगा में काशी, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए, आपसे एक और अति विनम्र निवेदन है कि यह दिव्यांग भाइयों को अवश्य शेयर कीजिएगा, आपका भगवान भला करेंगे। धन्यवाद।